झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली के ग्राम पंचायत पठा में दो किशोरों के अचानक गायब हो जाने पर परिजनों ने पुलिस से गुमशुदगी का मामला दर्ज करने की मांग की। जानकारी के अनुसार मऊरानीपुर कोतवाली तथा देवरी पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पठा निवासी दीपेश साहू उम्र 16 वर्षीय पुत्र अमित साहू एवं मनीष कुमार मिश्रा उम्र 16 वर्षीय पुत्र जगेश्वर मिश्रा दोनों गांव से मऊरानीपुर के लिए 1 मार्च को मोटरसाइकिल से घर से गए थे, लेकिन आज 9 मार्च तक लौटकर गांव वापस नहीं आए। पुलिस ने दोनों किशोरों की गुमशुदगी के तहत मामला दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक उक्त युवकों का कहीं भी अता पता नहीं चलने पर परेशान माता पिता ने संबंधित पुलिस से दोनों लड़कों की खोजबीन करने की मांग की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार साहू है। क्या समस्या है? मेरी समस्या यह है कि मेरा बच्चा दीपेश साहू और उसके साथ में मनीष मिश्रा 1 तारीख को 11 बजे से वो लापता हैं। कहाँ के निवासी हैं दोनों? मैं जो है ग्राम पठा का निवासी हूँ, तहसील मेरी मऊरानीपुर है और थाना मेरा मऊरानीपुर है। तो आपके लड़के गायब हो गए हैं? मेरे लड़के जो है यहाँ से घर से निकले बाइक से, ठीक है, बाइक से निकलने मनीष मिश्रा की बाइक थी और उसी पर वो गए और मऊरानीपुर जो है जाने के बाद वो फिर पता नहीं कहाँ गए और संपर्क किया हम लोगों ने फ़ोन से संपर्क करने के बाद एक बार तो संपर्क हुआ कि मऊरानीपुर आए हैं, इसके बाद फिर ना संपर्क हुआ ना उनका पता चला। मुझे लगता है कि मेरा बच्चा कोई कठिन समस्या में फंस गया है। तो पुलिस के पास गए आप लोग? हाँ, पुलिस के पास हम गए हैं तो पुलिस वालों ने FIR दर्ज की है। FIR दर्ज करने के बाद मुझे पता नहीं है कि क्या कार्रवाई हो रही है मेरे केस में। मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी जो है पत्नी दोनों बहुत ही परेशान हैं। हम लोगों ने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पुलिस जल्दी से जल्दी मेरे केस की जो है का खुलासा करे जिससे मेरा बच्चा मुझे मिल जाए।